तो काइजर मुझे पता चला है लॉस सैंटोस में आ चुके एक 100 मिलियन डॉलर्स की बाइक और ये अंकल उस बाइक को स्पेस से लेके आए। अंकल मुझे वो 100 मिलियन डॉलर वाली बाइक चाहिए। बच्चे वो बाइक दुनिया में सिर्फ एक ही है, मैं उसको मार्स के बाजू वाले प्लेनेट से लेके आया हूँ। इस बाइक को अगर तुम्हें खरीदना है तो तुम्हें 100 मिलियन डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो काइजर आप देख सकते हो ये बाइक कितनी ज्यादा खतरनाक है और ये स्पेस में भी जा सकती है। ये दुनिया की सबसे पहली बाइक है जो कि स्पेस में जा सकती है, पर मेरे पास 100 मिलियन डॉलर्स नहीं है। अरे अंकल थोड़ा सस्ते में दे दो ना। बच्चे आज का प्राइस है 100 मिलियन, अगर तुम कल आओगे तो 150 मिलियन डॉलर्स की बेचूंगा। अगर चाहिए तो ले लो, वरना कल तो ये 50 मिलियन और महंगी होगी और उसके अगले दिन 50 मिलियन और। अरे काइजर ये बाइक सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हर रोज इसका प्राइस 50 मिलियन बढ़ रहा है। अंकल मेरे पास तो सिर्फ अभी 15 रुपए है। क्या 15 रुपए? क्या आइसक्रीम खरीदने आयो के तुम? 15 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। अरे अंकल कुछ तो दे दो 15 रुपए में, ये वाली बाइक दे दो। ये वाली बाइक 100 डॉलर की है, ना कि 15 रुपए की। 15 रुपए में तुम्हें ये मिल सकता है। क्या ये तो बाइक भी नहीं है। बच्चे मिलेगा तो यही, चाहिए तो लो वरना फूटो यहाँ से। अच्छा ठीक है मुझे यही दे दो। तो काइजर को फटाफट से 15 रुपए देते हैं और आप देख सकते हो मैंने ये चीज खरीद ली। ये पता नहीं क्या है, ये किसी भी एंगल से बाइक तो नहीं लग रही, फिर भी हेलमेट पहन लेते हैं और फटाफट से इसको चलाते। तो काइजर आप देख सकते हो हमने आज का सबसे पहली बाइक खरीद ली है। ये बाइक कम कबाड़ा ज्यादा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हम इसको चला लेंगे। और काइजर आज की वीडियो में हम लोग ये सारी की सारी बाइक खरीदने वाले हैं और 100 मिलियन डॉलर्स वाली भी। आज में मुझे कैसे भी उस 100 मिलियन वाली को खरीदना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा और लेट करेंगे, कल तक वेट करेंगे तो 150 मिलियन डॉलर्स की हो जाएगी और वो मैं होने नहीं देना चाहता। तो फटाफट चलते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते ताकि हम सारी की सारी बाइक्स खरीद पाए। तो काइजर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं 100 डॉलर कहां से लाऊं। इस कबाड़ी वाली गाड़ी से कुछ नहीं हो सकता, मैंने सोचा था मैं रेस करूंगा, पर इस गाड़ी में हम रेस भी नहीं कर सकते। अरे रुको मेरी बात सुनो। अरे क्या हो गया? क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो? पैसा? हाँ मैं कमाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 100 डॉलर्स दूंगी, बस तुम्हें नाचना पड़ेगा। नाचना पड़ेगा? हाँ हमारे अंदर पार्टी चल रही है, अगर तुम उसमें नाचोगे तो मैं तुम्हें 100 डॉलर्स दूंगी। अरे ये तो बहुत इजी है, मुझे सिर्फ नाचना है। पर याद रखना वो लोग जो भी बोलेंगे वैसे नाचना पड़ेगा। अरे हाँ टेंशन मत लो, मैं बहुत ही अच्छा नाचता हूँ। चलो काइजर फटाफट से अंदर लेके चलते अपनी गाड़ी को और हमें मिलने वाला है 100 डॉलर्स और मुझे सिर्फ नाचना है। चलो फटाफट से इसको अंदर डाल लेते हैं। ये वाली गाड़ी से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, आखिरकार हम अपनी नई बाइक खरीद पाएंगे 100 डॉलर वाली। चलो फटाफट चलते देखते कौन सी पार्टी चल रही है और हमें वहाँ पर नाचना है। तो काइजर आप देख सकते हो यहाँ पे पार्टी चल रही है और ये क्या, यहाँ पर तो सिर्फ बूढ़े अंकल खड़े, इनके सामने नाचना पड़ेगा क्या? और जल्दी नाच बच्चे, सारे कपड़े उतार और नाच के दिखा। क्या सारे कपड़े उतार के नाचना पड़ेगा? अगर पैसे चाहिए तो उतारने पड़ेंगे। अरे कैसा लगता है मुझे कपड़े उतार के डांस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 100 डॉलर चाहिए तो मुझे करना तो पड़ेगा ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाम जलेबी भाई, राम जलेबी भाई। अरे कैसा 100 डॉलर के लिए क्या क्या करना पड़ता है? और तेज नाचो जलेबी भाई। हाँ जलेबी भाई जलेबी भाई। अरे ये तो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा है, मैं इसको 10 डॉलर और दूंगा। थैंक यू। अरे काइजर आप देख सकते हो मैं क्या ही डांस कर रहा हूँ और इसके बाद मुझे मिलने वाले 110 डॉलर्स। और गाना भी गाओ। नाम जलेबी भाई, कौन देश से आई, मेरा नाम है जलेबी भाई। अरे बस यार। तो काइजर अभी मेरा यहाँ पे डांस कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा डांस किया, ये लो 100 डॉलर्स। हम तुम्हें रोज बुलाएंगे हमारे लिए के रोज डांस करना। अरे हट बुड्ढे, मैं नहीं आऊंगा। ये बुड्ढा तो बिल्कुल ही पागल हो गया, ये बोल रहा रोज डांस करना पड़ेगा, मुझे रोज डांस नहीं करना। एक बार 100 डॉलर मिल गए मैं तो लेके जा रहा हूँ और अपनी इस खटारा को मैं इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम नहीं आने वाले। थैंक यू आंटी, बाय बाय। चलो गाइस फटाफट से अपनी नई नई बाइक खरीदते हैं। एस्ट्रोनॉट सर मैं आ चुका हूँ 100 डॉलर्स लेके। 100 डॉलर में तुम्हें मिलने वाली है येलो वाली बाइक। तो काइजर अभी आप देख सकते हो हमारा प्रोग्रेस आखिरकार स्टार्ट हो चुका है, मुझे ये 100 डॉलर्स वाली बाइक मिल चुकी है। उस खटारे से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर हम यार इस पे रुक नहीं सकते क्योंकि हमें अपनी 100 मिलियन डॉलर वाली बाइक को खरीदना है, उसके बाद हम स्पेस में जा पाएंगे। तो अगली बाइक हमें मिलने वाली है
$1,000 की, तो फटाफट से चलते हैं, $1,000 कमाते हैं ताकि हम वो खतरनाक सी बाइक खरीद पाए, फिर हम उससे रेस भी कर पाएंगे। चलो फटाफट से चलते हैं $1,000 कमाने। तो गाइस सर, मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक आइडिया है। मैं जाने वाला हूँ इस घर के अंदर चोरी करने। मुझे पता चला है इस घर में कोई भी नहीं है, जो सारे के सारे लोग है वो गए हुए घूमने शिमला, और यहाँ पे सिर्फ एक गार्डनर है जो कि पूरे गार्डन का सब सामान देखते हैं। तो हम इसको तो मारने वाले, इसको हमने मार दिया। चलो गाइस सर फटाफट से इस घर के अंदर चलते हैं। तो गाइस सर अभी हम इस घर के अंदर आ चुके और इस घर में कोई भी नहीं है, तो मैं आराम से यहाँ पे चोरी कर सकता हूँ। ये घर बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी का है, तो मुझे लगता है $1,000 तो आराम से मिल ही जाएंगे, यहाँ पर पड़े क्या। चलो फटाफट से घर को पूरे पर सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं तो पैसे हमें मिल ही जाएंगे। किचन में हो सकते हैं, और यहाँ पे फ्रूट्स भी पड़े, थोड़े फ्रूट खा लेते हैं। भूख भी मुझे बहुत ही ज्यादा लग रही है, क्या यहाँ पर हमें मिल सकते हैं पैसे, कहाँ पर है। तो गाइस सर फटाफट से ढूंढते इन ड्रॉर्स के अंदर, ढूंढते क्या इधर मिलेंगे, सोफे के नीचे मिलेंगे क्या। $1,000 आ जाओ, $1,000 आ जाओ। अरे आवाज कहाँ से आ रही है, कौन आ गया मेरे घर में, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कौन है, लगता है मैं सपना देख रही थी, कोई नहीं है, चलो वापस सो जाती हूँ। मुझे चाहिए $1,000, कहाँ पर है। रुक जाओ, इस बार फिर से आवाज आई, पक्का कोई मेरे घर में आ चुका है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कौन है। अरे कैसर मुझे लगा था इस घर में कोई नहीं है, ये आंटी यहाँ पर क्या कर रही है, मैं इनकी किचन की यहाँ पे छुप चुका हूँ। अरे ये कैसे उड़ गई, कहाँ से आ गई, मुझे लगा था इस घर में कोई नहीं है। जल्दी से बाहर आओ, कौन है, मैं उसे गोली मार दूंगी। गेट तो बंद है, लगता है कोई घर में घुस चुका है, चूहे बिल्ली चोर कौन है। तो कैसर मुझे यहाँ से चुपचाप से जाना पड़ेगा, ये आंटी यहाँ पर मुझे ढूंढ रही है, मैं इनके बेडरूम में घुसने वाला हूँ। जल्दी जल्दी चुपचाप से चलते हैं, ये मुझे देख ना ले, और आ गया, बच गया बच गया। एक सेकंड, ये मेरा गेट खुलने की आवाज कौन आई, लगता है मेरे बेडरूम में कोई है, कौन है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कहाँ पर हो तुम। अरे अरे ये आंटी तो इधर आ गई, क्या करूँ क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ से निकलते हैं। अरे बच गया बच गया बच गया, ये आंटी ने मुझे देखा नहीं, यहाँ से निकलो, मैं इनके बेडरूम में जस्ट इनके पीछे ही खड़ा था, अभी यहाँ पर मैं बच चुका हूँ। मेरा बाथरूम में कोई है क्या, यहाँ पर भी कोई नहीं है, ये तो मैं ही हूँ, कौन घुस गया मेरे घर में, बताओ कौन है, मैं गोली मार दूंगी, मुझे लगता है इस रूम में कोई होगा। तो कैसर अभी आंटी यहाँ से जा चुकी है, चलो यहाँ से निकलते। एक सेकेंड, ये क्या, यहाँ पर तो कितने सारे पैसे पड़े। अरे कैसर मैंने सोचा था मुझे यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा, पर मुझे यहाँ पे बहुत सारे पैसे मिल चुके हैं। चलो फटाफट से इनको उठा लेते और यहाँ से निकलते, उससे पहले कि आंटी यहाँ पे आ जाए। वहाँ पर तो कोई नहीं है, एक सेकंड, तुम कौन हो। अरे आंटी आ गई, भागो यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, रुक जा, मैं तुझे गोली मार के भून दूंगी, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। तो कैसर हमें मिल चुके $1,000 और मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी निकलते। उन आंटी के पास कितनी खतरनाक गन थी, मुझे न्यूज मिली थी कि इस घर में कोई नहीं है, पर वो आंटी पता नहीं क्या कर रही थी गन से, पर कोई बात नहीं, हमें अपने पैसे मिल चुके हैं। चलो फटाफट चलते अपनी अगली बाइक खरीदते। तो गाइसर अभी हम आ गए अपनी अगली बाइक खरीदे, अंकल में आ गया $1,000 लेके। बहुत बढ़िया बच्चे, $1,000 दे दो और अपनी अगली बाइक ले लो। हाँ अंकल ये लो। तो गाइसर अभी हमने अंकल को पेमेंट कर दिए और हमें मिलने वाली है ये खतरनाक सी क्वाड बाइक। तो गाइसर आखिरकार इस बाइक पे मैं करने जाने वाला हूँ रेस। मैं बहुत देर से इस गाड़ी का वेट कर रहा था ताकि मैं जाके रेस कर पाऊँ। इस गाड़ी में हम आराम से रेस करेंगे, उसको जीत के हम कमाएंगे $10,000, उसके बाद हम अपनी अगली बाइक खरीद पाएंगे। और गाइसर याद रखना, इस वीडियो के एंड का गोल है हमें वो $100 मिलियन वाली बाइक कैसे भी करके चाहिए, उस बाइक से हम स्पेस में जा पाएंगे। तो गाइसर अभी हम यहाँ पर आ चुके रेस करने, और ये क्या, मैं इतनी देर से बाइक ढूंढ रहा था और यहाँ पर तो दूसरी गाड़ियों से रेस चल रही है। कोई बात नहीं, जो भी ये रेस जीतेगा उसको मिलने वाले $10,000। मैं इस कार से रेस कर लूंगा, मैंने सोचा मैं सिर्फ बाइक से रेस कर सकता हूँ, पर हमको यहाँ पर कार में रेस करनी है। कोई बात नहीं, हम इसको भी कर लेंगे, 3 2 1 गो। चलो गाइसर फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते हैं और इस रेस को जीत के दिखाते हैं। तो गाइसर अगर मुझे पता होता कि ये कार
कार में रेस होने वाली तो मैं पहले ही आ जाता, मैंने सोचा था बाइक पे रेस होती है यहाँ पे, तो मैं बहुत देर पहले $10,000 कमा लेता और अपनी अगली बाइक भी खरीद लेता। पर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी जल्दी इस रेस को जीतते हैं। अभी आप देख सकते हो मैं सेकंड में चल रहा हूँ और जल्दी से मैं फर्स्ट पे पहुंच जाता हूँ उसको ठोकर मार मार के। और गाइस हम फर्स्ट पे आ चुके हैं, तो बस मुझे यार इधर ही मेंटेन करके रखना है, मैं फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाने वाला हूँ, कोई भी मेरे पास भी नहीं पहुंच पाएगा। आप देख सकते हो सब लोग कितने ज्यादा पीछे रह गए और हम यहाँ पे फुल स्पीड में जाते जा रहे हैं, चेक पॉइंट लेते लेते सबके सब बहुत ही पीछे और अभी मैं फर्स्ट पे चल रहा हूँ। चलो यार आराम से चलाते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे भी मैं चलाऊंगा ना, फिर भी हम आराम से जीत जाएंगे इस रेस को। ला 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 ला, सब लोग तो बहुत ही पीछे है, ला 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 ला, कोई भी नहीं है मेरे आसपास, मैं आराम से ड्रिफ्ट मार मार के इस रेस को कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं इधर दो दो गोल गोल चक्कर भी काट सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम है, मैं गोल गोल घूम सकता हूँ। और ये क्या, अरे ये क्या, ये लोग तो मेरे साथ जा रहे, ऐसा नहीं हो सकता, रुक जाओ, फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को फिर से भगाते हैं और ये मैं फिर से फर्स्ट पे आ गया। तो गाइस मैं फिर से फर्स्ट पे आ चुका हूँ, मैंने कितना ज्यादा टाइम पास किया अपनी गाड़ी को गोल गोल घुमा रहा था, फिर भी ये लोग मुझे नहीं पकड़ पाए। और ये आ गई फिनिशिंग लाइन और गाइस मैंने रेस कंप्लीट कर दी है और मुझे मिल चुके हैं $10,000, फर्स्ट प्लेस आई है मेरी। तो गाइस आप देख सकते हो हमने यहाँ पे बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 मिनट 37 सेकंड्स में हमने इसको कंप्लीट कर दिया है और हमने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस अभी मुझे मेरे $10,000 मिल चुके हैं और हम जाने वाले अपनी अगली बाइक खरीदने। तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस आप देख रहे हो मैं कितनी मेहनत कर करके बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, पर आप मुझे पैसा दान दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। मुझे सबसे महंगी बाइक खरीदने के लिए चाहिए $100 मिलियन, तो अगर आप कमेंट करोगे $1,000 तो मेरे बैंक अकाउंट में $1,000 ऐड हो जाएंगे। तो आप जितने भी डॉलर्स कमेंट में लिखोगे उतने डॉलर्स मेरे बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। अगर आप 10,000 लिखोगे तो 10,000 मिल जाएंगे, अगर आप 1 लाख लिखोगे तो 1 लाख मिल जाएंगे। तो आप जितने चाहे कमेंट में लिख सकते हो उतने पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो फटाफट से बहुत सारे पैसे डोनेट कर दो ताकि मैं अपनी $100 मिलियन वाली बाइक खरीद सकूं। तो गाइस अभी हम वापस आ चुके अंकल के पास, $10,000 वाली बाइक खरीदे। अंकल मैं $10,000 ले आया, फटाफट से मुझे वो बाइक दे दो। अरे बच्चे तुम थोड़ा सा लेट हो गए, अभी आयरन मैन ने वो वाली गाड़ी खरीद ली है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है, अरे आयरन मैन तुम नहीं खरीद सकते, मुझे ये सारी की सारी बाइक्स खरीदनी है। तुम लेट हो चुके हो, मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। अरे उसमें क्या होगा, ये लो मेरे पैसे रख लो। अरे बच्चे पर मेरे पास एक ही बाइक है और खरीदने वाले दो, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे नहीं पता, मुझे बाइक वाली बाइक तो मैं ही खरीद के रहूंगा, मुझे ये बाइक चाहिए। नहीं ये वाली बाइक मुझे चाहिए, तुम नहीं खरीद सकते। रुक जाओ, मेरे पास एक चैलेंज है, तुम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों में से जो भी ज्यादा पुशअप्स लगाएगा वो इस बाइक को रख सकता है, तुम रुक नहीं सकते, याद रखना जो भी सबसे पहले रुकेगा वो ये चैलेंज हार जाएगा और इस बाइक को भी। ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत बढ़िया, जो भी सबसे पहले रुकेगा वो ये चैलेंज हार जाएगा, याद रखना। मैं कैसे भी करके वो वाली बाइक जीत के रहूंगा। तुम नहीं जीत सकते, ये मैं ही जीत करूंगा, ये देखो मैं ही जीतूंगा। नहीं मैं जीतूंगा, ये तो बहुत ही थकाने का काम है, पर मुझे उस बाइक को जीतना है। मैं थक गया। अरे गाइजर आयरन मैन थकना चालू हो चुका है, यही टाइम है और पुशअप लगाता हूँ और पुशअप, ये देखो मैं कितने तेज तेज लगा रहा हूँ और ये आयरन मैन कितना धीरे धीरे लगा रहा है। नहीं मैं जीत के रहूंगा, ये लो। थक गया मैं। और ये क्या, आयरन मैन ने तो पुशअप लगाना बंद कर दिया, इसका मतलब मैं जीत गया। बहुत बढ़िया बच्चे, तुम वो बाइक जीत चुके हो। तो गाइजर आखिरकार मैं वो खतरनाक सी $10,000 वाली बाइक जीत चुका हूँ और आप देख सकते हो ये बाइक कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। चलो फटाफट से इसको लेके चलते हैं और लगता है आयरन मैन की हालत कुछ ज्यादा खराब हो गई है। अरे आयरन मैन उठ जा, ये तो उठ भी नहीं पा रहा, पर कोई बात नहीं, हमें अपनी $10,000 वाली बाइक मिल गई है और ये सही में बहुत ही ज्यादा कमाल की। आप इसकी स्पीड देख सकते हो कितनी ज्यादा फास्ट है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगी। आपको कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस अगली बाइक खरीदने के लिए हमें चाहिए $1 मिलियन, जी हां $1 मिलियन में अगली बाइक हम अपनी खरीद सकते। तो अब मुझे तरीके ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन से तरीके से हम $1 मिलियन कमा सकते हैं। चलो बराबर चलते हैं। तो कैसर अभी हम लोग आ चुके हैं उस खतरनाक से बैंक में रॉबरी करने, ये लॉस सैंटोस से बहुत ही ज्यादा दूर थे,
पुलिस का आने का बहुत ही ज्यादा कम चांस है, इसलिए हम घुसने वाले हैं इस बैंक के अंदर और हम यहाँ पर आ चुके हैं। और ये सिक्योरिटी गार्ड एक ही है जो कि यहाँ पर खड़ा रहता है पूरा टाइम, पर इसे टकले पे मारते हैं गोली। और गाइस हम घुसने वाले हैं इस बैंक के अंदर। तो गाइस अभी हम इस बैंक के अंदर आ चुके और हमारा पार्टनर भी आ चुका है जो कि मदद करने वाला है इस बैंक की रॉबरी करने के लिए। ओ अंकल जल्दी जल्दी गेट खोलो वरना गोली मार दूंगा। तो गाइस फटाफट से अंकल से गेट ही खुलाते हैं और गाइस यहाँ पर गेट खुल चुका है। आप देख लो कितने सारे लोग हैं, सबके सब लोग उठ जाओ, जल्दी से मुझे लॉकर की चाबी दो वरना सबको मार दूंगा। तो गाइस फटाफट से देखते हैं इस बैंक में क्या है और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा कैश है। चलो चलो सारा का सारा कैश अपने यहाँ डाल लेते बैंक में। ये सारे के सारे लोगों को मेरा जो पार्टनर है वो देखते रहेगा, कोई भागेगा नहीं कहीं पे, और मैं ये सारा का सारा कैश अपने बैग के अंदर डाल लूंगा। तो गाइस मुझे चाहिए $1 million, याद रखना। देखते हैं ये सारा का सारा कैश लूटने के बाद कितने पैसे मिलने वाले। आते जाओ बहुत सारे पैसे हैं, सारे के सारे मैं लूटने वाला हूँ, एक रुपया नहीं छोड़ूंगा। जल्दी जल्दी सारा का सारा पैसा लूट लेते हैं। और ये एक और ये एक और, अब पांच और छह ही बचे, जल्दी से इसको भी लेते हैं। एक ये दो और ये तीन ये चार ये पांच और ये छह, और गाइस हमारे पास हो चुके $500,000, पर अभी भी हमें $500,000 और चाहिए। तो फटाफट से और भी बहुत सारे पैसे लूटते हैं। तो गाइस अभी आप देखते हो यहाँ पे गार्ड्स खड़ा था, अभी मैंने इसको तो मार दिया। फटाफट से इस वॉल्ट को भी खोल देते हैं, इस बड़े से बॉम्ब से हम इसको खोलने वाले हैं। चलो चलो भागो यहाँ से, जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस ये बॉम्ब सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा दूर जाना पड़ेगा ताकि ये ब्लास्ट हो, तो बहुत ही ज्यादा तेज ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पर हम रुक चुके हैं और गाइस 3, 2, 1 और गाइस आप देख सकते हो पूरा का पूरा बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है। और देखते हैं कितना डैमेज हुआ, यहाँ पर पूरा धुआं धुआं हो चुका है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा। और आप देख सकते हो पूरा का पूरा गेट बाहर आ चुका है। और ये देखो भाई कितना सारा पैसा यहाँ पर पड़ा है। तो गाइस मैं तो ये सारा का सारा पैसा लेके जाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। जल्दी जल्दी सारा का सारा पैसा बैग में डालते हैं और हमारे पार्टनर ने भी सारा का सारा पैसा यहाँ पर लूट लिया है। तो यहाँ पर जो ये कैश है उनको भी लूट लेते हैं। हमारे पास $1 million ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो हमारा काउंटर और भी जल्दी जल्दी ऊपर जाता जा रहा है, हमारे पास 1 million से भी ज्यादा होने वाले हैं। फटाफट से इनको बैग में डालते हैं। और गाइस आपको तो पता होगा वो स्पेस वाली बाइक खरीदने के लिए हमें 100 million चाहिए, तो उसके लिए भी थोड़ा डोनेशन मिल जाएगा। और आप भी डोनेट करना मत भूलना कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी $1 million लिख दो ताकि अगर 100 जने कमेंट करेंगे तो हमें $100 million मिल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो जब तक मैं सारा का सारा पैसा लूट लेता हूँ। जितना पैसा मेरा पार्टनर लूटेगा वो पैसा उसका, और जितना मैं लूटूंगा वो सारा पैसा मेरा। चलो गाइस ये तो हमने लूट लिया, अब हमें यहाँ पे सिक्योरिटी के रूम में जाके सारे के सारे कैमराज में से हमारी स्टोरेज डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि यार यहाँ पे आने से पहले मैं मास्क वास्क नहीं लेके आया था, तो इसलिए हमने सारे के सारे कैमराज की फुटेज उड़ा दिया। आप देख सकते हो सबका सब यहाँ पे ब्लर कर दिया और सारे सारे टीवी में फोड़ देते हैं। और चलो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। तो गाइस हमारा काम यहाँ पर हो चुका है और हम इधर से निकलने वाले हैं। और गाइस आप देख सकते हो कितनी सारी पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, इनको फटाफट से मारते हैं ये लो पुलिस वालों। तो गाइस ये तो मुझे पता ही था यार, इतनी बड़ी बैंक रॉबरी करेंगे तो पुलिस तो आनी है, पर उसके लिए भी मेरे पास एक इलाज है, मैं लेके आया हूँ RPG। निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। तो गाइस आप देख सकते हो मैं सबको उड़ा दिया है और मैं अपनी बाइक पे बैठ के यहाँ से निकलने वाला हूँ। मेरा पार्टनर अपने आप जाने वाला है और मैं अकेले जाने वाला हूँ। चलो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। और ये बाइक भी मैं इसलिए लाया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तो हम बहुत ही जल्दी पुलिस से एस्केप करवा देंगे। ऊपर पुलिस के हेलीकॉप्टर भी आ चुके, पर कोई बात नहीं गाइस, फटाफट से अपनी फुल स्पीड में बाइक को भगाते हैं और एस्केप करवाते हैं पुलिस वालों से, और फिर हम लॉस सेंटोस में जाके अपनी अगली नई नई बाइक खरीदेंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके अंकल के पास वापस से। एस्ट्रोनॉट अंकल, मैं आपके $1 million लेके आ चुका हूँ। अरे बेटा ये गोलियां कहाँ से खा के आए हो? अरे वो एक आधी गोली तो लगी जाती है, आप फटाफट से पैसे ले लो और मेरी $1 million वाली बाइक मुझे दे दो। तो गाइस फटाफट से इस बाइक पे बैठते हैं और चलाते हैं अपनी $1 million वाली बाइक। तो गाइस हमारी पेमेंट तो हो चुकी है और ये बाइक जमीन पर क्यों चली गई? चलो गाइस फटाफट से देखते हैं इस बाइक में ऐसा क्या खास है जो कि $1 million की है। और आप इसकी स्पीड देख सकते हो, ये क्या हो गया? चलो वापस से पुलिस स्टेशन भगाते हैं, देखते हैं इसकी टॉप स्पीड क्या है। और आप देख सकते हो कितनी ज्यादा फास्ट चल रही है, ये पहली वाली बाइक से भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है, मुझे बचाओ, मैं कहां जा रहा हूं? अरे मुझे
मरना नहीं है, ये बाइक तो सही में बहुत ही फास्ट है, अगर ये मैं ज्यादा देर चलाऊंगा तो पक्का मैं मर जाऊंगा। कहां जा रहा हूं मैं, वो क्या ही लैंडिंग करिए, ये बाइक एक तो बार बार लेट क्यों जाती, मुझे समझ नहीं आता, और ये मेरे ऊपर ही चढ़ गई। तो गाइस यार ये 1 मिलियन वाली बाइक तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, पर सोचो वो 100 मिलियन वाली कैसी होने वाली है। मैं उसको चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, अगर आप भी एक्साइटेड हो तो फटाफट से कमेंट कर दो। और ये बाइक तो मेरे से कंट्रोल भी नहीं हुई। तो गाइस यार अगली बाइक खरीदने के लिए हमें 100 मिलियन डॉलर चाहिए। 100 मिलियन डॉलर कमाने में हमें एक गोली लग गई। अब सोचो 100 मिलियन डॉलर कमाने तो क्या क्या करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ करके रहेंगे और 100 मिलियन कमा के अपनी अगली बाइक खरीद के रहेंगे। तुम सबका स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। इस चैलेंज में तुम तीनों जीत सकते हो 100 मिलियन डॉलर। तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं इस खतरनाक से चैलेंज में। अगर मैं इसमें जीत गया तो मुझे 100 मिलियन डॉलर्स मिलने वाले। तो मैं तुमको बताता हूँ कि तुमको करना क्या है। अपनी गाड़ियों को लेके स्टार्ट लाइन से जाना है फुल स्पीड में, सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते करते, सब चीजों से बचते बचाते, जो भी पहुंचेगा इस टायर के बीच में से निकल के फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा वो ये चैलेंज जीतने वाला है। चलो चैलेंज को शुरू करते हैं, और याद रखना जो भी जीतेगा 100 मिलियन डॉलर्स मेरी तरफ से। तो गाइस यार अभी हमें पूरा का पूरा चैलेंज बता दिया है, और आप देख सकते हो ये दोनों कंटेस्टेंट है जो कि मेरे सामने कंपटीशन करने वाले। ये तो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में, देखो कैसे खड़ा है इतना बॉडी बिल्डर, और ये अंकल नंगे से यहाँ पे खड़े। एक काम कर ले अपन भी कपड़े उतार लेते हैं। तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो हम सबके साथ बिल्कुल सेम हो चुके हैं, फटाफट से चैलेंज को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा क्योंकि मुझे जीतना है ये चैलेंज और 100 मिलियन डॉलर्स। एक बार में 100 मिलियन जीत जाऊं उसके बाद मैं बहुत ही बड़ा घर खरीदूंगा। तो गाइस यार आप देख सकते हो ये अंकल अगर जीते तो ये खरीदना चाहते हैं बहुत ही बड़ा घर, पर अगर मैं जीता तो मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ और उससे मैं जा पाऊंगा स्पेस में। तो गाइस यार अभी देखते हैं अंकल अभी फुल स्पीड में जाते जा रहे, सारे ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते करते क्या ये चैलेंज जीतेंगे। आप फिर फटाफट से कमेंट करके लिख दो अंकल चैलेंज हार जाओ, क्योंकि इस चैलेंज को मुझे जीतना है और मैं कैसे भी करके जीत के रहूंगा। तो फटाफट से कमेंट कर दो अंकल चैलेंज हार जाओ, ताकि अंकल को बहुत सारा बैड लक मिले और अंकल चैलेंज हार जाए। और क्या ये लैंड कर पाएंगे, क्या ये कर पाएंगे लैंड, और कितना ज्यादा पास आके ये जा रहे सीधा पानी में डिस्क्वालीफाई होने। आए ये सारे चैलेंज मेरे लिए तो बहुत इजी है। तुम देखो इस चैलेंज को जीत के 100 मिलियन डॉलर जीत के मैं खरीदूंगा ऐसी बाइक जो कि मुझे लेके जाएगी स्पेस में। ये क्या, अरे गाइजर इस बॉडी बिल्डर को भी वो वाली बाइक खरीदनी है जो कि स्पेस में लेके जाती है। तो गाइजर अगर ये जीत गया तो वो ये बाइक को खरीद लेगा, और फिर मेरे पास कोई भी चांस नहीं मिलेगा, और फिर मेरे पास कोई भी चांस नहीं बचेगा उस बाइक को खरीदने का। ऐसा नहीं हो सकता, ये बॉडी बिल्डर तो अच्छी बाइक चलाता है, और ये क्या फैन ने इसको उड़ा दिया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कंट्रोल करना मुझे आता है, ये देखो क्या कंट्रोल करी, और ये क्या हो गया। तो गाइस यार मुझे लगा इसने अपनी गाड़ी में कंट्रोल कर लिया, पर ये फिर से नीचे गिर चुका है और बॉडी बिल्डर हो चुका है डिस्क्वालीफाई। तो गाइस यार ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, मुझे लगा उसको कार बहुत ही ज्यादा अच्छी चलाना आती है, उसने गिरने के बाद फिर से कंट्रोल होके वो रैंप पे आ गया था, पर वो फिर से गिर गया। और अगर वो जीत जाता तो मेरी वो स्पेस वाली बाइक भी खरीद लेता, पर गाइस यार वो ये चैलेंज हार चुका है और मैं ये चैलेंज करने वाला हूँ, और मैं कैसे भी करके जीतने वाला हूँ। आप देख लेना वो कैसे भी करके स्पेस वाली बाइक मेरी होने वाली है, मेरे अलावा उस बाइक को कोई नहीं खरीद सकता। फुल स्पीड में अपनी कार को भगाते हैं, मैं उन फैन से तो बच चुका हूँ जहाँ पे वो बॉडी बिल्डर गिरा था, पर गाइस यार हमें बिल्कुल ढंग से अपनी गाड़ी को चलाना पड़ेगा। आप देख सकते हो वहाँ पे एलियन के UFO भी है जो की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता, हम जाने वाले सीधा फुल स्पीड में और इस चैलेंज को कम्प्लीट करने वाले हैं। और टायर के बीच में से मैंने कहा फिनिशिंग लाइन, और ये मैं फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया। तो गाइस आप देख सकते हो हम फिनिशिंग लाइन पर पहुंच चुके हैं, और हमने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया, उस नंगे अंकल और बॉडी बिल्डर को हरा दिया है, और मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ। अच्छी बहुत ही बढ़िया, तुमने ये चैलेंज जीत लिया है, इसलिए मैं तुमको दूंगा 1 मिलियन डॉलर वाले डायमंड। ये 4 डायमंड मिला के बनते हैं 1 मिलियन डॉलर, और यहाँ पर ऐसे 400 डायमंड से तो तुम्हारे पास आ चुके 100 मिलियन।
मिलियन डॉलर्स, बधाई हो बच्चे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ और मुझे मिल चुके हैं 400 डायमंड्स। ये जो 4 डायमंड ना ये 1 मिलियन के, तो यहाँ पर ऐसे 4 डायमंड के 100 डायमंड्स है, तो मेरे पास आ चुके 100 मिलियन डॉलर्स। और अब मैं आखिरकार वो खतरनाक सी बाइक खरीद पाऊंगा, अपनी स्पेस बाइक। तो गाइस अभी मैं उस एस्ट्रोनॉट को यहाँ पर बुलाने वाला हूँ और उसको ये सारी की सारी पेमेंट कर देंगे, फिर वो आखिरकार हमारी बाइक हो जाएगी। चलो फटाफट उसका फोन नंबर बुला दे, 22556। आप में से भी कोई भी उसको फोन मत लगाना, वो आपका फोन उठाएगा नहीं। चलो फटाफट से फोन लगाते हैं। एस्ट्रोनॉट अंकल, आपके सारे के सारे 100 मिलियन डॉलर्स यहाँ पर है। अरे बच्चे, मुझे नहीं लगा था कोई भी लॉस सैंटोस में ये खतरनाक सी बाइक खरीद सकता है, पर तुमने ये कर दिखाया। आज से ये बाइक तुम्हारी हुई। थैंक यू अंकल। तो गाइज़र आखिरकार ये स्पेस बाइक मुझे मिल चुकी है। बहुत देर से मुझे इसका वेट था और हमें ये मिल चुकी है और मैं इसको उड़ा के जाने वाला हूँ स्पेस में। क्या आप तैयार? भाई ये कैसे चल रही है? हेलमेट हमने पहन लिया और हम जाने वाले हैं स्पेस में। चलो गाइज़र फटाफट से इसको उड़ाते हैं और आप देख सकते हो हमारी गाड़ी उड़ने लग गई है। ये तो बहुत ही खतरनाक है और कितनी ज्यादा स्पीड में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो लॉस सैंटोस को हमने कितना ज्यादा नीचे छोड़ दिया और फुल स्पीड में हम जा रहे हैं स्पेस में। मैं सीधे जाने वाला हूँ उस सामने सन में। क्या कोई भी आज तक इंसान सूरज पर गया है? कोई भी नहीं किया, इसलिए मैं जाने वाला हूँ। तो गाइज़र मैं तो जा रहा हूँ सूरज पर, पर अगर आप अभी तक अर्थ पे हो तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइज़र आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइज़र इस हमारे डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाकर ज्वाइन फॉलो कर लेना। और गाइज़र हम मिलेंगे आपसे सीधा सन पर और अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।